गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश। तो आज हम आपका सैटरडे में जो थर्ड वीकली एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नंबर ए पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ पोएम माई व्हील। जो हम पोएम पढ़े थे पिछले क्लास में माई व्हील, उस चैप्टर के पोएट कौन है? आंसर इज ग्रियर कूपर इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ पोएम माई व्हील। तो माई व्हील पोएम के पोएट कौन है? ग्रियर कूपर। नंबर टू, वेयर डज पोएट गो आफ्टर ही राइड्स ऑन हिज बाइक। पोएट जब घूमने के लिए अपने बाइक में चलते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं, वो किसके पीछे जाते हैं? आंसर इज व्हेन एवर द पोएट राइड्स ऑन हिज बाइक ही वांट्स टू गो वेयर ही लाइक्स। भी वो अपने बाइक में घूमने के लिए जाते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं? उनका मन जहाँ लगता है, उनको जहाँ जाने को पसंद लगता है वहाँ पर जाते हैं। व्हेन एवर द पोएट राइड्स ऑन हिज बाइक ही वांट्स टू गो वेयर ही लाइक्स। उनको जहाँ जाने का मन करता है, उनको जहाँ जाने को अच्छा लगता है वहाँ पर जाते हैं। नंबर थ्री, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पोएट्स बाइक। पोएट जो बाइक चला रहे थे उसका कलर क्या था? आंसर इज पर्पल इज द कलर ऑफ द पोएट्स बाइक। उनके बाइक का, पोएट का बाइक का कलर क्या है? पर्पल है। पर्पल इज़ द कलर ऑफ द पोएट्स बाइक। नेक्स्ट नंबर फोर, हु इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के हिसाब से कौन बेस्ट था? हिज बाइक इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। उनका बाइक उनके हिसाब से उनके लिए सबसे बेस्ट था। तो ये था कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। उसके बाद देखिए, नंबर बी पर है, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें नीचे ये कुछ छः तो वर्ड्स दिया गया है, जैसे कि बाईसाइकिल, पेडल्स, ट्रैवल, राइड पास्ट, वेब जेंटली राइडिंग। तो हमें ये जो सिक्स टू वर्ड दिया गया है इसको यूज़ करके एक एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, नंबर वन पर है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल वर्ड को हम यूज़ करके एक सेंटेंस करेंगे तो क्या होगा? माई बाईसाइकिल इज पर्पल। इसका मतलब है मेरे बाईसाइकिल का कलर पर्पल है। जैसे कि हम चैप्टर में पढ़े थे माई व्हील, उसमें पोएट का बाईसाइकिल का कलर क्या था? पर्पल था। नंबर टू पर है पेडल्स। उसको अगर सेंटेंस में करेंगे तो इस वर्ड को क्या होगा? पोएट्स फीट ऑन द पेडल्स। पोएट का फीट कहाँ पर था, किसके ऊपर था? पेडल्स, वो बाईसाइकिल जो था उसके पेडल के ऊपर था। नंबर थ्री, ट्रैवल। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो सेंटेंस? व्हेन एवर आई ट्रैवल माई व्हील्स टेक मी देयर। इसका मतलब है जब भी मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ तो मेरा जो बाईसाइकिल का व्हील होता है वो मुझे वहाँ पर लेकर जाता है। नेक्स्ट नंबर फोर, राइड पास्ट। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे इस वर्ड को तो क्या होगा? द ट्रीज आर ऑल हैप्पी टू सी मी राइड पास्ट। इसका मतलब है जब भी मैं घूमने के लिए बाहर जाता हूँ तो वो पेड़ लोगों के सामने से जाने से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पोएट को देख कर वो पेड़ क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते थे कि नहीं? वो चैप्टर में हम पढ़े थे माई व्हील। तो इसीलिए द ट्रीज आर ऑल हैप्पी टू सी मी राइड पास्ट। नेक्स्ट नंबर फाइव, वेब जेंटली। तो इसको, इस वर्ड को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? द फ्लावर्स वेव जेंटली अलोंग विद द ग्रास। वो सारे फ्लावर ग्रास के साथ जब भी पोएट बाहर घूमने जाते थे तो उन्हें क्या, वेव जेंटली मतलब खुशी से हाथ हिला रहे थे। उनको देखकर जैसे सच में वेलकम या फिर स्वागत दिला रहे थे। इसलिए इस सेंटेंस में द फ्लावर्स वेव जेंटली अलोंग विद द ग्रास का मतलब है फ्लावर और ग्रास दोनों मिलके खुशी से पोएट को स्वागत रहे थे। नेक्स्ट नंबर सिक्स, राइडिंग। राइडिंग वर्ड को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? द पोएट लव्स टू राइडिंग हिज बाईसाइकिल। पोएट को अपने बाईसाइकिल में राइड यानी कि चलाने में, वहाँ से घूमने जाने में साइकिल से उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो उनको घूमने जाना अपने साइकिल के साथ बहुत पसंद था।
तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। थैंक यू।